ओके दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जैसे गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जैसे 10 डॉलर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे देखिए एक्शन बटन मिल जाता है। हम में से बहुत सारे यूट्यूबर जो है इसमें यही फेल्यूर हो जाता है, फेल कर जाता है। कैसे? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए एक्शन बटन आ जाता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर को मालूम नहीं कैसे किया जाता है सही तरीके से, इसलिए बार बार वो लोग डॉक्यूमेंट तो अपलोड करते हैं लेकिन उसमें फेल बता देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है, अगर आपके पास भी दलदला हो चुका है, आजकल लॉकडाउन के तौर पर बात की जाए तो दोस्तों गूगल एडसेंस के तौर पर 10 डॉलर होने की जरूरत नहीं, कभी कभी तो 0 डॉलर, 1 डॉलर, 2 डॉलर हो भी जाता है तब भी एक्शन बटन मिलता है। तो मुझे भी इसी तरह मिल जाता है दोस्तों 1 डॉलर पे। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो आज का ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि कैसे मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करूंगा और अपने जो है एडसेंस पिन को मंगवा सकता है सही तरीके से अपने खुद के घर पे एड्रेस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना होता है, सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पे आर्डर कार्ड की बात की जाए तो आर्डर कार्ड बिल्कुल भी यूज मत करना। यहाँ पे 4 चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का, मान लीजिए अगर इंडिया के है तो, जैसे कि यहाँ पे हो गया पैन कार्ड, हो गया वोटर आईडी, हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, हो गया पासपोर्ट, हो गया। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से कोई एक है तो। पैन कार्ड तो जरूर होगा, पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन कार्ड के जरिए आज इस वीडियो के जरिए 100% बताने वाला हूँ और विद प्रूफ में आधा घंटे के बाद मुझे सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि मेरे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये भी बताऊंगा, देखना इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोग दोस्तों में सारा और आप देख रहे हैं टेक्निकल जरूर, तो दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पर आया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आप मैं सबसे पहले आ चुका गूगल के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे ऊपर देखिएगा जो जिसमें नोटिफिकेशन बटन पे यहाँ पे और ऊपर देख रहे हैं आपको जो इसमें शो कर रहा है एक्शन बटन यहाँ पे आ चुका है। तो आज मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसमें विथ प्रैक्टिकल, देखिएगा इसमें जो एक्शन बटन आपको शो कर रहा है, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस भी शो कर रहा है। तो बैलेंस ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, आजकल एक्शन बटन कभी भी मिल सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको पेमेंट मेथड पे जाना होगा या तो ऊपर में भी आप जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं सबसे पहले मैं बता दूंगा दोस्तों, आपको पेमेंट मेथड पे जाने से पहले आपको गूगल माई अकाउंट पर जाना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ से ही आप सबसे बेहतर कर सकते हो। मैं वहाँ पर जाके दिखा देता हूँ आपको। फाइनली मैं यहाँ पर देखिएगा माई अकाउंट पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक्शन बटन भी इसमें शो कर रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन शो करेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही इस तरह का ऑप्शन शो करेगा जैसे डैशबोर्ड, उसके बाद आपको जाना है दोस्तों पर्सनल इन्फो पे, पर्सनल इन्फो पे जाना है। पर्सनल इन्फो पे जाने के दोस्तों आप अपने पर्सनल डिटेल एक बार चेक करना है सबसे पहले, क्या सही है डेट ऑफ बर्थ या सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। या फिर अपना नाम जैसे है वैसे रहने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका डेट ऑफ बर्थ को चेक करना बहुत ही जरूरी है, आपका डेट ऑफ बर्थ कम से कम 18 ईयर्स के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। या फिर प्रोफाइल सब कुछ में नेम चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर ठीक से चेक करना है, पासवर्ड चेक चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, फॉर्म में चाहूँ तो यहाँ पे मैं भी चेक करके दिखा देता हूँ, मैं भी इसको थोड़ा इसको चेंज करके देता हूँ क्योंकि मेरा जो है पैन कार्ड से बिल्कुल सही मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बना रहा हूँ कन्फर्म, मैं सब कुछ इसमें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपको काम करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं करो। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपको नीचे जब पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन से, अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। अगर ये जो कि पर्सनल इन्फो हो गया तो पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको सिंपली पेमेंट मेथड पे जाना है, यानी मैनेज पेमेंट मेथड पे जाना होगा आपको। सिंपली मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मैं इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ वही चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर इसी चीज़ को आपको आप भी फॉलो करेंगे 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका विद प्रूफ बस आधा घंटे के अंदर आपका जो है इसमें सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उसमें देखिए योर वेरीफाई योर आइडेंटिटी इसमें बोल रहा है, देखिए वेरीफाई नाउ इसमें बोल रहा है। बट इससे पहले कि आपको कुछ काम करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन तो इसमें आ रहा है, इसको काट कर देना है। आपको जाना कहाँ पे है दोस्तों, सिंपली आपको एड्रेस पे जाना होगा,
एड्रेस है, उसके सेटिंग्स है। सबसे पहले एड्रेस को एक बार चेक करके देखिएगा, मैं एड्रेस पे एक बार जाके दिखा देता हूँ आपको। उसमें क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा एड्रेस इसमें इस तरह का शो करेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको सही है या नहीं है, इसको डिटेल हमें चेंज करना है। इस एड्रेस को सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, जिस तरह से मेरे पैन कार्ड या आपको वोटर कार्ड होगा उसी में होगा, बिल्कुल वही एड्रेस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शंस भी आ रहा है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। या तो आप सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में सबसे बेस्ट है, सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ दोस्तों। सेटिंग्स पे जाना है दोस्तों आपको, ठीक है, मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ दोस्तों। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ध्यान देने की बात यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे सबसे देखिए पेमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ठीक है, पेमेंट प्रोफाइल आ रहा है, उसके पेमेंट प्रोफाइल आईडी शो कर रहा है। इसमें देखिए कंट्री रीजन, आप जिस कंट्री से है उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और अकाउंट टाइप हमेशा इंडिविजुअल ही रखे, उसमें बिजनेस बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर बिजनेस रखोगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है, आपका पैम अकाउंट टाइप जो है हमेशा इंडिविजुअल ही रखिएगा। इंडिविजुअल नहीं रखोगे दोस्तों आपको पेमेंट्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे दोस्तों, देखिए सबसे नेम एंड एड्रेस, आपका नाम और एड्रेस पूरा इसमें चेंज सही सही करना है। और इसमें पेन आइकन में क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपना नाम देना है सही सही, ठीक है, जो अपने पैन कार्ड में होगा यानी डॉक्यूमेंट पे, उसका पहला एड्रेस सही सही डालना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे होगा। सेकंड एड्रेस में आपको सही सही डालना होगा, उसके नीचे तात में आपको शहर सिटी डालना होगा, उसका पिन कोड, उसके स्टेट डालना होगा। तो इसी तरह आपको देना है दोस्तों। लास्ट में जो फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं, इसमें खाली छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ऑप्शनल है दोस्तों इसको जरूरी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको देखना है, जैसे मैंने भर दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर नाम भर दिया हूँ, इसमें ध्यान से देख सकते हो आप, नाम उसका, नाम उसका एड्रेस अच्छे से भर दीजिएगा। नीचे में भी आप एड्रेस दे सकते हो अगर ऊपर में नहीं हो पाता है, लेकिन सेकेंड एड्रेस टू में, एड्रेस लाइन टू पर आप हमेशा क्या कीजिएगा, एड्रेस लाइन टू पर आप अपना जो है साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ही जरूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एड्रेस लाइन टू पे आप कॉन्टैक्ट नंबर 100% दे दीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हो जाता है तो यहाँ पे सेव कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप आपका चेक करके देख सकते हो कि यह सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, 100% हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको एक बार चेक करके देखना है, उसका मैं एड्रेस पे एक बार जाके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एड्रेस पे जाना है आपको, अगर एड्रेस पे जा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड खोलेगा। अगर इसमें डुप्लीकेट एड्रेस भी आ चुका है, डुप्लीकेट एड्रेस जितने भी है सब यहाँ से डिलीट कर देना है। जो मेरा डुप्लीकेट एड्रेस है दोस्तों, मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही सेम प्रोसेस करना है। तो अभी अभी आपने, मैं इस तरह यहाँ से देखिए रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ से सिंपली रिमूव कर देना है। देखिए इसमें रिमूव बटन का ऑप्शन आएगा दोस्तों, सिंपली आपको रिमूव करना है। और हमें इसको देखिए लेफ्ट साइड पर इसको भी रिमूव कर देना है। तो सिंपली आपको मुझे लेफ्ट साइड में जो एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस अभी मैंने इसको ही ऐड किया था, इसको रखना है। अब देखिए उसमें एक बार देखिए अलर्ट बटन में जाके दिखा देना। अब यहाँ पे हमें वहाँ जाके वेरीफाई करना है, ठीक है, ऊपर जाके यहाँ से वेरीफाई करना है। देखिए इसमें आइडेंटिटी, इसमें आपका सेम वही एड्रेस होगा जो आपने अभी अभी डाला है दोस्तों, ठीक ठीक है। यहाँ से आप अपने आइडेंटिटी, इस एड्रेस को इसमें सही सही डालना होगा दोस्तों, जो आपने अभी दिए हैं, ठीक है, जो कि आप अपने एड्रेस चेंज किया हुई एड्रेस में रहेगा। इसमें आईडी प्रूफ आपको क्या क्या वैलिड गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। मेक श्योर कि आप अपना आईडी जो है हमारे चार कॉर्नर, इसमें आपको पहचान होना चाहिए, देखना चाहिए चारों कॉर्नर। आईडी का नहीं देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपका आइडेंटिटी इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप अपना इंडिया का पासपोर्ट इसमें, या तो पैन कार्ड हो गया, इसमें वोटर आईडी, और दूसरा हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें ये चार चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसमें आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड इसमें बोल रहा है, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड है, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। सिंपली आपको नीचे देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, सिंपली वहीं से आपको अपलोड कर देना है अगर ये पे पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ से मैं अपलोड कर ही देता हूँ दोस्तों, कोई भी मैं एक पैन कार्ड इसमें ऐड करते हैं, जो अभी एड्रेस ऐड किया था वही पैन कार्ड मैं इसमें कर रहा। देखिएगा मेरे पैन कार्ड इसमें देख रहे हो दोस्तों, आप चारों कॉर्नर सही सही एकदम सफ़ेद से देखना चाहिए अलग से, जितना पैन कार्ड है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप रख लीजिएगा, ठीक है, एड्रेस का जो आईडी को, ठीक है, ताकि वो चारों कॉर्नर सही सही नज़र आए, ठीक है, जैसे कि मैंने किया। तो यहाँ से ऐड करना है, यहाँ पे देखिए अभी ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग लेगा। देखिए अपलोडिंग हो रहा है इसमें डॉक्यूमेंट्स, इसमें 100% सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों अगर आप इसी तरह अपलोड करते हैं तो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे पूरा इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें
हो गया है दोस्तों, ठीक है, इसमें 100% हो चुका है दोस्तों। आपका फाइल हमेशा इसमें फुल एचडी में रखिएगा, फाइल जो कि आप डॉक्यूमेंट किया, सिंपली इसमें सबमिट कर दिया दोस्तों। सबमिट करते ही इसमें 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें रिव्यू में चला जाएगा, इसमें वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस में देख रहा है ऊपर, ठीक है। इसमें देखिए द प्रोसेस में टेक फ्यू डेज, कुछ दिन की बात बोल रहा है, लेकिन आधा घंटा में हो जाएगा 100% अगर आपका एड्रेस और डॉक्यूमेंट के साथ सही सही डाले हो तो दोस्तों, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपको भी सेम करना है। आप यहाँ पे देखिए देसी के योर वेरीफाई योर आइडेंटिटी इसमें भी शो कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा वेरीफिकेशन इन प्रोग्रेस इसमें शो कर रहा है, इसमें वेरीफिकेशन इन प्रोग्रेस देखिए, प्लीज टेक अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिन इंतजार करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इतना दिन की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें आधा घंटा इंतजार जरूर करेंगे हम, उसके बाद मैं दिखा दूंगा दोस्तों कि इसमें हो जाता है या नहीं होता है, ठीक है, मैं इसमें पूरा प्रोसेस आपको जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आधा घंटा पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल इसमें शो कर रहा है, यहाँ पे मेरे पे मेल आ चुका है, देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है बिल्कुल आधा घंटा के बाद, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, यहाँ पे 100% सक्सेसफुल हो जाए। इसको एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिखा मैं देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें इस प्रकार शो कर रहा है दोस्तों, यानी सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें क्लिक करके मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा, देखिए योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ लॉग इन टू योर गूगल एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा, आप देखिएगा इसी प्रकार इसमें शो कर रहा है, यानी आपको अगर सही सही अगर इसमें आप डाल देते हो आपका आइडेंटिटी कार्ड और साथ ही आपका एड्रेस सही रह जाता है दोस्तों, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही डालना है, आप सही इस्तेमाल करना है और आपका काम 100% हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा दोस्तों, बस इसी तरीका को अपना है ना। तो यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा अभी दोस्तों, ऊपर ऑप्शन वो हट गया था, एक्शन बटन भी हट गया था, और यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा था वो भी हट गया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खोल के दिखा रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन शो करता था वो ऑप्शन भी यहाँ से हट चुका है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सीधे सी साफ साफ यहाँ पे शो कर, ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर शो करता था कि यहाँ पे शो करता था। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने आधा घंटा के बाद फिर से कंप्यूटर खोला यानी लैपटॉप खोला, तो वहाँ पे देखा मैंने मेरे जो मेल से आया है कि सक्सेसफुल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इसी तरह आपको भी करना है, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लग सकता है दोस्तों अगर आप सही तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करते हैं आप फोटो कर सकते हैं, मोबाइल से भी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डॉक्यूमेंट को, आप एकदम क्लियर लेना है, कोई साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए फुल एचडी में, और साथ ही आपको चारों कॉर्नर जो है अलग अलग से चारों कॉर्नर इसमें पहचान होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे खींच लिया, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को ऐसे खींच लिया, तो बाकी साइड में जो कॉर्नर होते हैं ना चारों कॉर्नर वो भी रहना चाहिए आपके साथ, कम से कम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें रहना चाहिए, तो ऐसे ही क्योंकि उसमें खुद लिखा हुआ आता है, आपको चारों कॉर्नर इसमें पहचान होना चाहिए, दिखना चाहिए, सही तरीके से शो करना चाहिए। तो इस प्रकार जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और इससे बहुत कुछ जानकारी मिली होगी कैसे किया जाता है। तो इसके तौर पर मैंने 2-3 बार मैं कर चुका हूँ, आई होप कि दोस्तों इससे बहुत ज्यादा मदद मिली होगी, मदद मिली वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो जल्दी हमें सब्सक्राइब जरूर कर दे, इससे तो आप लोग जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए, साथ में ऑल पे क्लिक करके लगा दीजिए, इससे क्या होगा आप लोग को मेरे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।